ज़्यादा कम नहीं। हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने गोप्रो के लिए कुछ सामान मंगाया है, जैसे कि उलांजी का केस और माइक वगैरह। सो आप लोग भी अगर ये सामान मंगाना चाहते हो तो मैं अमेजोन का आप लोग को लिंक दे दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। सो चलिए पहले आप लोग देखिए कि मैंने क्या क्या सामान मंगाया है, फिर चलते हैं सफ़र में। सो गाइस, मैं ये पहला प्रोडक्ट देखिए परचेस किया है अमेजोन से, और मैंने ये उलांजी का केस मंगवाया है, ये देखिए। और इसके साथ मुझे ट्राईपोड मिला है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसकी कीमत मुझे पड़ गई 1800। और मैंने दूसरा चीज़ मंगवाया है सैंडिक्स का, देखिए ये 32 GB का है चिप। और मैंने माइक भी मंगवाया है, क्योंकि गोप्रो में नॉर्मल माइक लगाइएगा सिंपल माइक तो काम नहीं करेगा, इसीलिए मैं माउनो का माइक मंगाया है। देखिए इस पे ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है, ये देखिए। और इसके साथ एक अडेप्टर भी आता है, ये देखिए। ये जब तक नहीं लगाओगे तब तक गोप्रो में आवाज़ नहीं आएगा। और उसके बाद मैंने एक न्यू हेलमेट भी लिया है, सो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए, ओला हेलमेट मुझे फिट नहीं हुआ, इसीलिए मैंने दूसरा मंगवा लिया। ये भी थंडर का ही है, स्टार्ट का। इसे साइड में रखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए थंडर का, ये देखिए। और स्टार्ट पीछे ब्रांड का नाम है, देखिए। और मैं इस पर गोप्रो लगा के देखिए माउंट करके अब आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियो दिखाऊंगा। और अमन सफ़र जैसे कि मेरा नाम है चैनल का, आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियो मेरे सफ़र में देखने को मिलेगा। सो अब चलिए, ये देखिए मेरे गोप्रो का सेटअप पूरा हेलमेट पे माउंट हो चुका है। अब चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बुट्टी मोड़ जा रहे हैं, और ये देखिए रांची क्लब है इधर, और ये कुछ घड़ी बेच रहे हैं देखिए, और ये देखिए रांची क्लब है। और सीधे हम लोग बुट्टी मोड़ जाएंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे आज रिंग रोड का मज़ा लेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो क्लियर आ रहा होगा। और मैं अपनी सुल्तान को लेकर जा रहा हूँ। गाइस, अभी बुट्टी मोड़ आने वाला है, और आगे में बुट्टी मोड़ है, ये देखिए सामने आप लोग को नज़र आ रहे होगा। और इधर है SBI बैंक, और सीधे देखिए बुट्टी मोड़, अभी हम लोग को सीधे जाना होगा। ये देखिए हॉर्स, अब हम लोग को सीधे जाना होगा। जाओ, बहुत जाम रहता है यहाँ पे। आज भी काफी जाम है, मौसम भी साफ है बट जाम बहुत है। लेकिन चलाने का अपना ही मजा आता है राइडिंग करने का। इधर देखिए पेट्रोल पंप है, मुझे भी पेट्रोल भराना है पर मैं आगे भराऊंगा। थोड़ा सा हवा भरा लेता हूँ। आराम से यार, हवा हवा। अभी मैं हवा भराने रुका हुआ हूँ। ज़्यादा कम नहीं लग रहा ना? 30 है। सो गाइस, पीछे में 30 है,
अभी 35 करा रहे हैं। आगे में कितना था? 30 है ना? 28। हाँ लीजिए। सो चलिए, हवा भी भर गया है। हवा भी भर गया है गाड़ी में, थोड़ा कम था इसीलिए दबा दबा चल रहा था। वाओ, अब गाड़ी सुल्तान की तरह दौड़ रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियो क्लियर आ रहा होगा और आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। ये देखिए बार है। अब सीधे चलते हैं। जाम रहता है, रामगढ़ रोड है ये। रामगढ़ आप जा सकते हो इसी रोड से, पटना भी जा सकते हो। 300 प्लस है पटना यहाँ से। ये देखिए यहाँ पेट्रोल पंप है राइट साइड में। आसमान काला काला नजर आ रहा है, बारिश आ सकती है। सो कोई बात नहीं, बारिश आएगी भी तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगा, और नहीं आई तो नहीं दिखाऊंगा। इधर ट्रक खड़ा हुआ है देखिए लॉकडाउन के कारण। और ये देखिए सामने में एक स्कूल है लेफ्ट साइड में। एक बार मैं वीडियो बनाया था तो मुझे नहीं पता था कि कौन सा स्कूल है, लेकिन ये पता चल गया है, ये मनन विद्या स्कूल है। ये देखिए रेड और वाइट में। चलिए थोड़ा सामने से दिखाते हैं आगे जाके। ये देखिए ये मनन विद्या स्कूल है। ये है जुमार पुल, जुमार नदी है। ये देखिए नीचे, और इसको जुमार नदी बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग तो रिंग रोड जाना है और वहाँ की अच्छी अच्छी खूबसूरती को देखना है और सुल्तान को दौड़ाना है वहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इधर देखिए। वो देखिए ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं दूर से, दूर तक। और आसमान देखिए, इधर BSNL का ऑफिस है। ये देखिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, वो देखिए वाइट वाइट। और इधर वाह कितना सुंदर लग रहा है, धान बोया है देखिए, अभी छोटे छोटे हुआ है ग्रीन ग्रीन। अब चलते हैं आगे की ओर। अभी हम लोग इस वक्त मुंबई में हैं, मुंबई नहीं मुंबई, जिसका मैंने वीडियो बना चुका है पहले भी। सो अभी मुंबई मिसरा पार कर रहे हैं, अब आगे चलते हैं। वाह
गाइस मुझे पेट्रोल भी भराना है गाड़ी में। सो आगे में एक पेट्रोल पंप है लेफ्ट साइड में, सो चलिए वहाँ चलते हैं। सो गाइस अब पेट्रोल भराते हैं। आगे में देखिए लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप है और वहाँ आसमान देखिए नीला 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 और वाइट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से अभी लेफ्ट लेंगे और पेट्रोल यहाँ भरा लेते हैं, फिर रिंग रोड की ओर चलते हैं। ऑफ राइडिंग। एक सौ दस। सो चलिए अब चलते हैं, पेट्रोल भी भर गया है और हवा चेक तो हो गया है, अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। वाव आसमान देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। अभी थोड़ी देर बाद भी है रिंग रोड, कुछ ही दूरी पर है रिंग रोड और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं वहां। देखिएगा ट्रेंस बहुत ही मज़ा आएगा और आप लोगों को सुंदर सुंदर और भी व्यू देखने का अवसर मिलेगा और मुझे भी। सो आप लोग भी मेरे साथ साथ घूम रहे हो, आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अभी से लाइक कर दें। मौसम भी बहुत ही अच्छा है, धूप छाँव का मौसम जारी है और यहाँ पर ही जाम लगता हुआ। वाओ स्पीड ब्रेकर। सो फ्रेंड्स आप लोग इसी रोड से रामगढ़ जा सकते हो और रुका डैम आगे से लेफ्ट राइट मुड़ता है। अरे यार ये राइट मुड़ रहा है। आज काफ़ी जाम है लेकिन कोई बात नहीं, जाम में ही चलाने का मज़ा है और खाली में भी चलाने का अपना ही मज़ा है। वाओ क्या खूबसूरत सीन है, चलिए चलते हैं। ये देखिए धन्यवाद पुनः पधारे, यहाँ से रांची ख़त्म होता है और पटना धनबाद रामगढ़ यहाँ से चालू होता है रोड। और सामने बहुत ही सुंदर नज़ारा है और ये देखिए लेफ्ट में टोयोटा का शोरूम है, जिसको फॉर्चूनर वगैरह पसंद है लेना वो ले सकते हो। मुझे तो फॉर्चूनर बहुत ही पसंद है टोयोटा का, सो जब भी लेंगे तो मैं फॉर्चूनर ही लूँगा। सो आगे से पटना रोड है देखिए सीधे रामगढ़, लेकिन मैं लेफ्ट मोड़ूंगा। ये रिंग रोड यहाँ से देखिए चालू होता है